एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए आपके पास तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, आपकी लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेड हो, और आपके न्यू लोगों से इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो। लेकिन मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ कि मेरा दिन कैसा होता है। सुबह ऑलमोस्ट 7-8 बजे सो के उठता हूँ, और उसके बाद नाश्ता वगैरह करता हूँ जाके, और नाश्ते से फ्री होके फिर मैं बस यहाँ पे अपना लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ। और उसके बाद मैं ऑलमोस्ट अगले 4 से 5 घंटे यहीं पर ही बताने वाला हूँ बाय डूइंग सम ऑनलाइन फ्रीलांस वर्किंग ऑन फाइवर। उसके बाद थोड़े बहुत और जो काम होते हैं वो मैं करता हूँ, जैसे कि अभी मेरे पास एक काम है कि मुझे इस कमरे में थोड़ी सी लाइटिंग चेंज करनी है, क्योंकि अभी मेरे इस रूम में जितनी भी लाइटिंग हुई हुई है वो सब वाइट हैं, लाइट्स वाइट कलर में है, कुछ भी कलरफुल नहीं है यहाँ पे। और अगर बैकग्राउंड में या मेरे फ्रंट पे कुछ कलरफुल लाइट्स हों तो वो बहुत अच्छी लगेंगी। तो अभी चलते हैं पहले ATM से कैश विड्रॉ करेंगे, और फिर जाके यहाँ की कुछ लाइटिंग्स वगैरह का कुछ सोचेंगे। लेकिन जाने से पहले अभी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा लेता हूँ और फिर जाऊँगा लाइट्स को देखने। यहाँ पे भाई चावल बॉयल हुए हैं, और चावल बॉयल हुए हैं तो इसका मतलब है कि दाल भी होगी, तो देख लेते हैं। हाँ दाल भी है, तो भी दाल चावल खा लेते हैं। अभी खाना भी खा लिया, तो अब चलते हैं लाइट्स लेने। तो भाई लाइट्स लेने मैं गया था, और वहाँ जाके मैंने एक चीज़ सोची। लाइट्स जब मैंने देखी तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी, लाइट्स तो मुझे लेनी थी, तो मैंने एक चीज़ सोची कि लाइट्स तो मेरे पास हैं ऑलरेडी, बहुत सारी लाइट्स हैं लेकिन सब वाइट कलर में हैं, तो क्यों ना इन वाइट लाइट्स का सिर्फ कलर चेंज कर दिया जाए। तो मैं कुछ ये शीट्स ले आया जाके, और अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो लाइट्स हैं वाइट जितनी भी, उनके आगे मैं ये शीट्स लगा दूँगा और वो कलरफुल हो जाएंगी। तो चलिए आप पहले इनको करते हैं थोड़ा सा कलरफुल। तो ये काम भी हो गया, तो अब लाइट्स को चेक कर लेते हैं। भाई लाइट्स अभी जो हैं वो कुछ इस तरह की दिख रही हैं, क्योंकि सब वाइट लाइट्स हैं, और अब ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो यार ये अब मेरे ख्याल से काफ़ी कूल सा लग रहा है कि इधर से ये ब्लू शेड आ रहा है, इधर से ये वाइट शेड, और पीछे ये सारा रूम में रेड शेड आ रहा है। तो अब थोड़ा सा मज़ा मुझे ख़ुद भी आएगा वीडियो बनाने में भी, और आपको वीडियो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक और चीज़ ये कि मैं अभी ये जब ये लेने गया था सामान अपना, तो एक चीज़ में और लिया, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लगेगा रखा हुआ, ये कैंडल बनी हुई है, और ये काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं इसको ऑन करके यहीं पर ही अपने पास रख दूँ। इसके मैं एक शेल्फ बना के इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अपनी साथ रखूँगा, मेरे पास काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो भाई आज से पहले मैं जब भी ब्लॉग्स बनाने खड़ा होता था, तो मेरे दिमाग में आइडियाज से पहले एक्सक्यूजेस आते थे कि इक्विपमेंट्स नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, ब्ला ब्ला ये वो। लेकिन आज से मैं सारे एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके Now I am doing vlogging every single day. तो फिर कल मिलते हैं।